नमस्कार दोस्तों, मैं मीना गुप्ता साईं जीवन माला के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि साईं बाबा के 11 अमूल्य वचनों में एक वचन अमूल्य है, तो आइए हम आज आपको साईं जी के अनमोल वचनों में दूसरा वचन सुनाती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, साईं जी के अनमोल वचन जीवन में उतारने से जिंदगी की सारी परेशानियाँ दूर हो जाती हैं। हर मानव का धर्म है कि वह अपने जीवन के अर्थ को समझे, अपने अनमोल तन को समझे। साईं जी ने जो हीरे जैसा जीवन दिया है, उसे हमें अच्छे कार्यों में लगाना है। हम सभी साईं जी के ही अंश हैं। जिस भगवान ने हमें यह मानव तन दिया है, क्यों ना हम अपना जीवन उन्हीं के चरणों में अर्पित करें, ताकि हमारा जीवन सार्थक हो सके और हम आगे बढ़ सकें। आइए मेरे सभी साईं भक्तों, मैं आपको आज साईं जी के 11 वचनों में से साईं जी का दूसरा जो अनमोल वचन है, उसे बतलाने जा रही हूँ। चढ़े समाधि की सीढ़ी पर पैर तले दुख की पीढ़ी कर। कहते हैं, जो मेरी समाधि की सीढ़ी चढ़ेगा, साईं जी कहते हैं, जो मेरी समाधि की सीढ़ी चढ़ेगा, उसका सारा दुख नष्ट हो जाएगा। महान दुख से पीड़ित हुए मनुष्य का जीवन जीना भी असंभव हो जाता है। कोई शारीरिक व्याधि से पीड़ित होता है, तो कोई मानसिक व्याधि से हताश हो बैठ जाता है। ऐसे लोगों को सहानुभूति शब्द ही उसके दुख का निवारण कर सकते हैं। ऐसे समय में सद्गुरु का यह वचन ही उसको दुखों से पीड़ित और अंतःकरण के लिए आशा की एक किरण सिद्ध होती है। कहा जाता है, जो एक बार साईं की शरण में आता है, श्री साईंनाथ की समाधि के दर्शन मात्र से ही उस भक्त का सारा दुख हरण हो जाता है। यह बात हजारों भक्त आज भी अनुभव करते हैं। इसी कारण असंख्य लोग सीढ़ी की तीर्थ यात्रा करते हैं। साईं जी के वचन की सत्यता का यह प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो चलिए, आप भी साईं जी की चरणों में अपना जीवन अर्पण करें। जय साईं राम। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री राम जन्म महोत्सव एवं विशाल भंडारा का आयोजन संपन्न होने जा रहा है। साथ में शिरडी के साईं बाबा की भव्य पालकी शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इस महापर्व में सम्मिलित हो पुण्य के भागीदार बने 1972 से स्थापित साईं के इस दरबार में पालकी के आने के बाद बाबा करते हैं भक्तों पे चमत्कार। तो समय निकालिए और जरूर आए इस महापर्व में। ओम साईं।